अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि शाहीन को किसी भी तूफान के आने से बहुत पहले इसका इल्म हो जाता है। शाहीन यह इल्म होने के बाद किसी बुलंद मुकाम पर चला जाता है और तेज हवाओं का इंतजार करता है। जब तूफानी हवाएं टकराती हैं तो यह अपने परों को इस तरह एडजस्ट कर लेता है कि तेज हवाएं इसे ऊपर उठा देती है, इतना ऊपर कि यह तूफानी हवाओं की जद से बुलंद हो जाता है और उनकी तुंदी से बालातर होकर हवाओं में रक्स करता फिरता है। शाहीन तूफान से डरकर नहीं भागता, बल्कि यह तो तूफान को मजीद बुलंद होने के लिए इस्तेमाल करता है। यह इन हवाओं पर राज करता है जो तूफान लाती हैं। इसी तरह जब जिंदगी के तूफान हम पर हमलावर होते हैं और हम सबको इनका सामना करना तो पड़ता है, हम अल्लाह पर यकीन और भरोसे की मदद से इन तूफानों से बुलंदतर हो सकते हैं। अगर हम तैयार हों तो तूफान हम पर काबू नहीं पा सकते। अल्लाह की मदद से हम इन्हीं तूफानों को मजीद बुलंद होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह काबिलियत दी है कि हम बीमारी, हादिसात, नाकामियों और मायूसियों को मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए बतौर सीढ़ी इस्तेमाल करें। हम इन तूफानों से भी बुलंदतर परवाज कर सकते हैं। याद रखें, यह हमारा जिंदगी का बोझ उठाने का तरीका है जो हमें नीचे की तरफ खींचता है, ना कि बोझ बजाते खुद। लिहाजा तरीका ठीक करें।